देखिए वो क्या बताओ उनकी टीम चला रही हो, तो हम यही विनती करेंगे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी और गृहमंत्री जी से भी कि जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये आपकी बेटियां हैं, ये न्याय के लिए यहाँ पे आज 23 दिन हो चुके हैं, तो इन्हें भी न्याय दे दीजिए, आप इनकी मदद करिए। नमस्कार, मैं और राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महिला पहलवानों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही महिला पहलवानों को क्या इंसाफ मिल पाएगा, और अगर इंसाफ उन्हें मिल जाता है तो क्या ये एक बहुत बड़ी जीत उनके लिए होगी। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा शिकंजा कसा जाता है, WFI के पोस्ट से उन्हें हटाया जाता है, और महिला पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीत की एक उनकी शुरुआत तो हुई है, लेकिन वो चाहती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे शख्स को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो ये देश में जाए मैसेज की भैया जो देश की जो बेटियां हैं उनके साथ जो किया जाता है उसका क्या हश्र होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और सांसदों को बचाने का खूब काम करती है, चाहे मैं अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी का जिक्र कर लूँ, कुलदीप सिंह सेंगर का अगर हम जिक्र कर ले, बीजेपी के यही सांसद बृजभूषण का, दिल्ली के कंझावला जो कांड हुआ उसमें एक बीजेपी के नेता का बड़ा हाथ देखा जा रहा था, वो शामिल था। जो तमाम चीज़ हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से फंसती चली जा रही है, उनके नेता किस तरीके से अपराध करते हैं लेकिन बीजेपी उन्हें बचा ले जाती है, लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और बजरंग पुरिया ने एक बड़ी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि उन्हें वो चाहिए कि न्याय उन्हें मिले, और जो हम भारत को आगे रिप्रेजेंटेड करते हैं, भारत का नाम आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे में हमारे साथ ऐसा होता तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पर अगर शिकंजा कसेगा तो ये आने वाले और जो भी WFI के पोस्ट पर जो बैठेंगे या जो खेल के बड़े आयोजक होंगे वो इस चीज़ों को समझेंगे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पर भी ऐसा होगा। बजरंग पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। देखिए वो क्या बताओ उनकी टीम चला रही होगी, तो हम यही विनती करेंगे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी और गृहमंत्री जी से भी कि जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये आपकी बेटियां हैं, ये न्याय के लिए यहाँ पे आज 23 दिन हो चुके हैं, तो इन्हें भी न्याय दे दीजिए, आप इनकी मदद करिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अब धीरे धीरे जो है वो बृजभूषण को होता नजर आ रहा है। क्या वो खुद ब खुद पार्टी का साथ छोड़ देंगे या पार्टी बाहर निकाल देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।